गुड मॉर्निंग सिद्धि, गुड मॉर्निंग ईशान, आयुष, सामली, समर्थ, ओम, स्नेहल, विनय, चैतन्य, करण, साक्षी। चलो ठीक, शांतनु कुलकर्णी। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक बताया था, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर या फिर कार्बन चेन, इस तरीके से बताया था मैंने अलग-अलग ग्रुप। अब आज बताने वाला हूँ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप, ये बताने वाला था। याद आया क्या लास्ट लेक्चर वाला और आज का जो लेशन है? आज समझाने वाला हूँ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? तो देखो, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शन ग्रुप दो किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं वो तो देखें ध्यान से। यदि आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है, अच्छा हाइड्रोकार्बन सबको पता होगा, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? द कंपाउंड विच फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है? हाँ, अब हाइड्रोकार्बन मतलब आर एच, ठीक है? हाइड्रोकार्बन का जो सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो होता है आर एच, होता है हाइड्रोकार्बन का रिप्रेजेंटेशन। यदि इस एच को, सुनना ध्यान से मेरी बात, इस एच को मैं रिप्लेस कर दूं मतलब हटा दूं किसी भी फंक्शनल ग्रुप से, मतलब रिमूवल ऑफ एच एंड एडिशन ऑफ जी, जी कोई भी फंक्शन ग्रुप है तो आपका बन क्या जाएगा? आर और यहाँ पे जी आ जाएगा ना, तो जी क्या है? एक फंक्शन ग्रुप का सिंबल है, ठीक है? मतलब इसको इस तरीके से कर दिया मैंने, देखो अभी यहाँ पे ये आर हटा और जी ऐड हो गया, मतलब सिंपल सा क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है और ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन हो गया, क्योंकि जी कोई फंक्शन ग्रुप होगा, आर कुछ और है, मतलब हाइड्रोकार्बन का ही फंक्शन ग्रुप हो गया इस तरीके से, ठीक है? लिखना हो तो आप नोट कर सकते हो, जिसको बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट हो कि जो आर है वो क्या है, आपका अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे आर जो है वो क्या है, अल्काइल ग्रुप है, और जो जी है वो क्या है, आपका फंक्शनल ग्रुप है। जी क्या है, आपका फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शन ग्रुप के बारे में कोई पूछता कि फंक्शन ग्रुप है क्या आखिरकार, तो ऐसे एटम्स का ग्रुप जो कि किसी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करे उसको कहते हैं क्या हम लोग? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं हम लोग, ठीक है? तो फंक्शन ग्रुप की डेफिनेशन के बारे में, वैसे ये बिल्कुल बेसिक चीज है, क्लास 10 से मैंने पढ़ाई है। हाँ वो अलग बात है, बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़ी है, तो सुन लो ध्यान से। फंक्शन ग्रुप क्या है? तो आप फंक्शनल ग्रुप, अ फंक्शनल ग्रुप इन एन एटम इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स डेट गिव द मॉलिक्यूल्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज।
केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फंक्शन क्या है, कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि किसी मॉलिक्यूल को प्रेजेंट करे और गिव द मॉलिक्यूल्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल, मतलब अपनी केमिकल प्रॉपर्टी को डिफरेंट शो करे, उसको कहते हैं हम लोग क्या है, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं हम लोग। ठीक है, नोट करो इसको। अभी देखो तो इसका एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा कोई भी हाइड्रोकार्बन, जैसे सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा होगा मीथेन, ये आपके पास मीथेन है सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। और यदि मैं इसमें से H को रिप्लेस कर देता हूं और यहां पे मैंने सपोज सी डबल ओ एच लिख दिया, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप फंक्शन ग्रुप है, तो आप यहां पे लिखोगे क्या बनेगा, सी एस सी सिंगल बॉन्ड सी ओ ओ एच। तो ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये अब इस कंपाउंड की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करेंगी, सी एस सी पर डिपेंड करेंगी कि सी डबल ओ एच पर डिपेंड करेंगी, सी डबल ओ एच पर डिपेंड करेंगी, मतलब इसकी प्रॉपर्टी जो होंगी वो कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह होंगी। भाई आप लोग क्या है ना, ऐसे सुस्त होके मत पढ़ा करो जैसे पढ़ते हो, आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं देता कोई भी, सब लिखने में लगे रहते हो। लिखने के लिए मैं अलग से टाइम दूंगा, बट जब मैं लिखवाऊं तो उस टाइम पे ध्यान से सुनो और मेरी बात का जवाब दो। ये चीज क्लियर है ना, नहीं सबको, ये नहीं मैं लिखते रहो बाकी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, हाँ या ना, समझ में आया नहीं आया, मतलब लिखते लिखने पड़ो, लिखने के लिए प्रॉपर टाइम दूंगा 5-10 मिनट के बाद में, लेकिन जवाब भी आना बहुत जरूरी है, मतलब अपना जो कम्युनिकेशन है ना वो बिल्कुल रेगुलर बना रहना चाहिए आपस में। यदि कम्युनिकेशन डिफरेंस रहेगा, मैंने क्वेश्चन पूछा अभी तुम जवाब दे रहे हो आधे घंटे बाद, तो वो ना पढ़ाने मजा आएगा ना समझने में मजा आएगा। चलो एग्जाम्पल क्लियर हुआ कि फंक्शन ग्रुप क्या है, फंक्शन ग्रुप क्या है, एक ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसके लगने के बाद उस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी उस पर डिपेंड करती है कि उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके की होंगी, उसको कहते हैं फंक्शन ग्रुप कहते हैं। अब इसको नोट कर लो आप लोग, और भी एग्जाम्पल लिखने हो तो लिख लो, उसमें एक और एग्जाम्पल लिख लो। चलो जैसे ही लिखा मैंने सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड ऑफ सी एस टू और एच, तो एक H को मैंने हटाया और यहाँ पे मैंने लगाया OH ग्रुप लगा दिया मैंने, बनता है CH3 of CH2 सिंगल बॉन्ड of OH बन जाता है, मतलब तो ये क्या है, ये अल्कोहल है, ये अपना अल्कोहल हो गया, मतलब फिजिकल और प्रॉपर जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो OH पर डिपेंड करेंगी, अल्कोहल पर डिपेंड करेंगे। नोट डाउन, हाँ हो गया है। चलो डन हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो
अब फंक्शन ग्रुप तो हो गए ये, अब फंक्शन ग्रुप के बारे में पढ़ना है कि फंक्शन ग्रुप कितने टाइप के होते हैं या मतलब कितने होते हैं, तो लिखो इसमें एक पॉइंट और लिखो नोट डाल के। All compound with same function group with same functional group belong to same class। भाई obvious बात है, जब किसी भी चीज को क्लासिफाई करते हैं तो कुछ चीज तो सिमिलर देखते हैं ना, तो यहाँ पे सिमिलर क्या देखते हैं बेटा, हम लोग फंक्शन ग्रुप को देखते हैं कि जिन कंपाउंड्स में फंक्शन ग्रुप सेम होता है वो हमेशा एक ही फैमिली या एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं हमेशा। ये स्क्रीन पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि और बड़ा लिखूं इसको? तभी थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा क्या ना आंखों पे जोर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली वैसे तो मोबाइल चला चला के आंखें खराब हो रही है ना, बड़ा देखिएगा कम से कम ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा आंखों के ऊपर। ठीक है, हो गया। लास्ट स्लाइड एक बार दिखा दें, देखो जल्दी प्राची जल्दी लिख लो बेटा, है ना। जब भी किसी का रह जाए तो बता दिया करो एट ए टाइम पे, सर एक सेकंड रुक जाओ, दो सेकंड रुक जाओ, मैं रुक जाऊंगा, है ना। बेटा इसका मॉड्यूल मैंने कल मैंने बोल दिया है ऑफिस में, उन्होंने कहा है कि सर हम भेज देंगे, तो जैसे ही मेरे पास आएगा मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। आप लोग मॉड्यूल के लिए बिल्कुल परेशान ना हो। चलो अब आपको फंक्शन ग्रुप पढ़ना है, और पढ़ना है बेसिकली क्या किस किस फंक्शन का क्या सिंबल होता है, ठीक है। तो देखो मैं लिखता जाता हूं यहां पे, आप लोग नोट करते जाओ एक एक करके सब। नंबर वन सबसे सिंपल हेलोजन, हेलोजन को आपने देखा होगा सिंपल एक्स रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एक्स इसका मतलब होता है एफ सी एल बी आर और आई, चार चार आते हैं सिंबल इसके अंदर, एफ भी आता है, सी एल भी आता है, बी आर भी आता है और आई भी आता है इसके अंदर। सेकेंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं और डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है ये, ठीक है। मैं दोनों तरीके लिख रहा हूं जो जनरली यूज करते हैं हम लोग, और जिसमें कभी कंफ्यूजन ना रहे दिमाग के अंदर कि हाँ तो क्या है क्या नहीं। इसके बाद ईस्टर, थ्योरी पढ़ाना है क्या मॉड्यूल में? नहीं, थ्योरी कहीं से नहीं पढ़ना है बेटा, घर पे कहीं पे बस थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ सिद्धि, यही पढ़नी है, यही पूरा सार है तुम्हारे लिए, पूरा आईटी एडवांस तक के लिए जो पढ़ा रहा हूँ वही सिलेबस है, वही सब कुछ है। एक्स्ट्रा होगा टाइम हो तो पढ़ लिया करो, वरना इसमें इतना पढ़ा दूंगा कि आपको कोई बुक पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। नंबर फोर्थ पॉइंट, टाइम हो फ्री बैठे हो तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अमाइड CONH2, एसिड हैलाइड, COCl, नोट करो इतने।
बेटा यहाँ पे ईस्टर, आर का मतलब अल्काइल ग्रुप होता है बेटा, करण, आर फॉर अल्काइल ग्रुप। अच्छा हेलाइट लिखा, सॉरी हाँ तेजस बेटा, हाँ सी बोला। यहाँ पे एक्स लिख लो बेटा, एक्स सीएल आ सकता है बट यहाँ पे एक्स लिखो आप, है ना, एक्स ज्यादा सुटेबल है हाल फिलहाल नाम के हिसाब से, सीओ एक्स। नंबर सिक्स पॉइंट, साइनाइड, अभी हाल सी एन। हाँ लिखो जल्दी, देखो चलो किस लिख गया बेटा, साइनाइड सी एन। सल्फोनिक एसिड SO3H। एल्डिहाइड CHO। कीटोन हाँ, ये सब लर्न करने हैं आप लोगों को, लर्न करने हो, पहचानना सीखना है, मेन तो पहचानना ही है कि किस फंक्शन ग्रुप का सिंबल क्या है। ओ अमाइन NH2। अल्कोहल Which, मेरे ख्याल से सभी फंक्शन ग्रुप हो गए, ये क्वालिफाई था जो आपको यूज नहीं करना है, बहुत ही कम मिलेगा देखने को, एसिड एनहाइड्राइड बहुत ही कम देखने को मिलेगा ये आपको। सीओ का होल ट्वाइस ओ, किस तरीके से, इस तरीके से। इस तरीके से ठीक है। फिफ्थ वाला कौन सा है, फिफ्थ वाला एसिड हैलाइड है, सिद्धि गुंजाल। इस पेज पे सिक्स चल रहा है तो फिफ्थ क्यों पूछ रही हो, एसिड हैलाइड था वो तो फिफ्थ वाला। अब बनाने के इसमें से बहुत सारे और भी बन सकते फंक्शन, लेकिन मेन यही है जो बना दिए मैंने, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। नाइटो और आइसोसाइनाइड भी, हाँ बहुत से हैं, नाइटो है, आइसोसाइनाइड है, थायो अल्कोहल है, थायो ईथर है, चलो वो भी लिखवा देते हैं ना, ग्रहण आ जाए कुछ भी बस। इलेवेंथ क्या है, इलेवेंथ अमाइन, AMINE,
इस स्तर में आर क्या है? तुम लोग क्या लेट हो गए थे या लेफ्ट हो गए थे? स्नेहल क्वेश्चन पूछे मैं लेट हो गए हो या फिर नेटवर्क इशू था तो लेट हो गए क्वेश्चन डाउट पूछने में? नेटवर्क इशू था, कोई बात नहीं। आर फॉर अल्काइल ग्रुप, जहां भी आर लिख दे मतलब वहां पे अल्काइल ग्रुप होगा। और क्या था? ठीक है, अब ये 40 नंबर क्या बताने वाला था, कौन सा रह गया था? थायो ईथर। हाँ बेटा, थायो वर्ड होता है सल्फर का, सल्फर का केमिकल नेम होता है थायो, ये सल्फर का थायो ईथर हो गया। थायो अल्कोहल SH। आइसोसाइनाइड, NC, नाइट्रो, NO2। कंफ्यूजन हो रहा है प्राची बेटा, सो हम एसिड एनहाइड्राइड है 13। आप लोगों का नेटवर्क इशू ज्यादा हो रहा है, क्वेश्चन काफी लेट पूछ रहे हो आप लोग। प्राची बेटा क्या कंफ्यूजन है, इतने सारे फंक्शन को देखिए कंफ्यूजन हो रहा है। अभी कोई बात नहीं, मैं सब फंक्शन ग्रुप को कुछ सेपरेट सेपरेट पाऊंगा तो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मैं मिक्स करके बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। सर नासिक में रेन चालू है, अच्छा पानी वैसा नासिक में नहीं, मौसम तो हमारे यहाँ पे भी है बट पानी कम बरस रहा है। अभी डाउट की कोई बात नहीं है, आराम से जो भी कंफ्यूजन है सब दूर करेंगे हम लोग। आप कहाँ हो? मैं अपने घर पे हूँ, मैं घर से ऑनलाइन क्लास चल रही है ना। नासिक में कोविड की क्या स्थिति है? झांसी नहीं, JH होता है सिद्धि गुंजाल। दोस्ती नाम क्यों बिगाड़ रही हो मेरे शहर का? अरे इतना ज्यादा केस नासिक में, इतना खराब की कंडीशन है अभी। तो तुम्हारे बेटर फिर हमारे यहां सही है, पढ़े इतने ही आ रहे हैं। चलो नाइट्रो हो गया, थायो ईथर, थायो अल्कोहल, साइन। वैसे तो बेटा बहुत सारे फंक्शन ग्रुप आएंगे, अब मैं कुछ एग्जांपल करा रहा हूं। आप लोग मुझे बताना है, आप लोगों का पता, आपको क्या बताना है कि किस कंपाउंड में कौन सा फंक्शन ग्रुप है, ये बताना आपको। ठीक है, बताओ इस वाले में कौन सा फंक्शन ग्रुप है। वेरी गुड, अमाइन। ठीक है, वेरी गुड, ऐसे ही बताओ, थोड़ा सा समझ में आया कि हाँ फंक्शन ग्रुप पहचानना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें कौन सा है? वेरी गुड, ईथर, ईथर है।
इसमें कीटोन है, गुड। इसमें साइनाइड है, गुड। इसमें पहचानना सीखो, कुछ लोगों से गलती हो रही है। ये अमाइड ग्रुप है, अमाइड। अब बताओ, कौन कौन से फंक्शन ग्रुप हैं? गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। यहाँ पे दो फंक्शन ग्रुप अवेलेबल हैं इस कंपाउंड में। इसमें दो फंक्शन ग्रुप है, कीटोन और अमाइन। वे हाँ देखो, अमाइड ये होता है और कीटोन अमाइन ये होता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया नहीं आया? तभी मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। जब साथ में होंगे तो अमाइड बनेगा, वरना ये कीटोन है और ये क्या है आपका, अमाइन है। ठीक है, अब कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड तेजस, वेरी गुड। कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कीटोन है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्योंकि मेन चीज होती है पहले तो फंक्शन को पहचानना, उसके बाद होता है फिर उसको सीखना। अब बताओ, ध्यान से बताओ। वेरी, कुणाल का सही है, बिल्कुल कुणाल ने परफेक्ट आंसर दिया है। इसमें अल्कोहल है, कीटोन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। बेटा स्नेहल एक फंक्शन ग्रुप नहीं, जितने हैं सब बताने हैं ना। इस वाले में ये हुआ अल्कोहल, ये हुआ कीटोन और ये हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबको फंक्शन ग्रुप में दिक्कत नहीं होगी, अब पहचान लोगे ना। मैं थोड़ा यहां भी डार्क कर देता हूं इसमें कि अलग क्लियर रहे। एक काम कंप्लीट हो गया कि आप फंक्शन ग्रुप को पहचान लोगे देख के कि आखिर कौन सा फंक्शन ग्रुप है। ठीक है, स्पेशली गलती जहां होती है वो ये है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर सिक्स, मिस्टेक्स यहाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर एट, हम लोग क्या करते हैं, अमाइड को कीटोन और अमाइन कह देते हैं। लेकिन कीटोन अमाइन कब कहना है और अमाइड कब कहना है, ये समझ में आ गया ना? हाँ बेटा शुभम, अच्छे से लर्न करना है ये सब। ये चीज क्लियर है ना, कब अमाइड कहना है और कब इसको कीटोन और अमाइन कहना है। चलो ये काम क्लियर हो गया, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ा था। पढ़ा था आप लोगों ने क्या? एक होती है होमोलोगस सीरीज होती है, बताएगा बेटा क्या होती है होमोलोगस सीरीज, थोड़ा सा भी जिसको पता हो इस केस के बारे में क्या है आखिरी। हाँ वेरी गुड आर्यन बेटा, 2 मिनट इसको मैं टाइप कर लूँ एक बार, फिर तुम लास्ट राइट दिखा दूंगा, ठीक है ना? चलो ठीक है, जिसको आता हो तब नोट करे थोड़ा सा। होमोलोगस सीरीज कैन बी डिफाइन एज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड इन विच द वेरियस मेंबर्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर फीचर्स एक काम करो, उसको मैं पॉइंट बना देता हूँ, ग्रुप ऑफ कंपाउंड इन विच Have similar structure features। पढ़ने में आसानी हो गई है ना, तो आप पॉइंट जाऊंगा तो सिमिलर। ओके समर्थ भेज दूंगा बेटा, है ना? मैंने आप लोगों का वो बना दिया है, एक प्लेलिस्ट बना दी मैंने, है ना, आईपी नेमिंग की, तो आप उसको ज्वाइन कर, वो लाइक उसको को कर दे, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, बेल आइकन दबा दें, जिसमें कि ऑटोमेटिकली जैसे वीडियो अपलोड होगा आपके पास खुद ही खुद मैसेज पहुंच जाएगा, ठीक है ना? लोग एक काम करो ना, आप लोग ग्रुप को सब वो सॉरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो ना। हाँ मैं भेजता हूँ यार, ठीक है, जिसमें कि क्या ना, जब भी आपको दिक्कत नहीं होगी, फिर कभी भी वीडियो अपलोड होगा तो मैसेज आ जाएगा। सिमिलर भेजता हूँ मैं अभी, जाता हूँ पहले इसको लिख दूँ पहले। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज सक्सेसिव मेंबर किसी का माइक ओपन है बेटा, माइक बंद करो अपना। मैं पहले चेक कर लूँ, मुझे खुद पता नहीं क्या नाम था चैनल का। मैं रोज सिस्टम पे ओपन करता हूँ, आप लोग देख लो यहीं से। हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चंद्रकांत, दो मिनट बजा, सेम फंक्शन ब्रांच, ठीक है, मास इंक्रीज 40 न्यू, ठीक है, वेरी गुड है, तो ठीक है, वो तो बहुत सारे हैं पॉइंट्स हैं। ये देखो मैंने खोल दिया है, देख चेक कर ले, दिख रहा सबको?
यस गो, मैं इसको शेयर कर देता हूँ। आप शेयर कहाँ से होता है यार, यहाँ से। शेयर का ऑप्शन पता है, शेयर कहाँ से होता है? सब कॉपी करो, एक वीडियो शेयर कर दो ना। अच्छा हाँ, ये भी सही बात है, वहां से हो जाएगा। तुम्हारी प्लेस बनी है, तुम्हारी प्लेस निकालता हूँ मैं। ये आईपी नेम 2020-22 बैच। यहां से मिल जाएगी सबको, ठीक है। अच्छा ठीक है। सक्सेस मेंबर मॉलिकुलर मास फॉर्मूला CH2 एंड मॉलिकुलर मास में डिफरेंस होगा 14 का डिफरेंस होता है, ठीक है। ये सब आपको पता होगा क्योंकि ये सब चीजें क्या है ना, बहुत सिंपल है, क्लास 10th में। वेरी गुड चिन्मय, सब लोग सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। सबके पास मैसेज आ गया है वैसे तो। वैष्णवी सिंह, हाँ ईशान, हाँ तुम्हारा बैट 2021-23 है। अच्छा मैं, नहीं, तुम्हारा बैट 2021-23 नहीं, सॉरी। अच्छा मैंने गलत लिख दिया क्या आपके बैच का नाम? बैच का नाम क्या लिख दिया मैंने आपके? अच्छा 2022 लिख दिया, चलो इसको करेक्ट कर दूंगा मैं। लुक कर ही दिया मैंने। चलो ठीक है, आगे देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। चलो छोड़ो, आप वो करते रहो अपना, ऑलमोस्ट सभी लोग करें, ठीक है ना। जिसमें कि किसी को ये पूछना पड़े कि सर वीडियो अपलोड हुआ है नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली अपलोड होगा, मैसेज आ जाएगा, सब काम हो जाएगा, ठीक है, लिंक पहुंच जाएगी। देखो अभी यहाँ पे बहुत बेसिक है ये सब, आप जानते हो, इसलिए थोड़ा इजी समझा रहा हूँ मैं। CH4 हो गया, इसका नेक्स्ट मेंबर होगा C2H6 हो जाएगा। डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंस CH2 का डिफरेंस भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों ही अल्केन हैं, तो दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। और मॉलिकुलर मास की बात करूंगा तो ये 12 + 4 = 16 हो जाएगा, और ये 12 × 6 × 1 30। बेटा ये बंद करो, माइक कौन ओपन किए है? हाँ माइक आप लोग ओपन मत किया करो बेटा, है ना। तो ये डिफरेंस कितने का होगा? 14 का डिफरेंस हो जाएगा। ये इन सब की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सिमिलर है। बात करता हूं मैं अल्कोहल के लिए। अच्छा अल्कोहल का देखो जनरल फॉर्मूला होता है एक अल्कोहल कंपाउंड्स के लिए, सिंपल अल्कोहल की बात करूंगा तो CnH2n+1OH। क्रिस बेटा परेशान मत हो, मैं उसको सबको दिखेगी प्लेलिस्ट अभी, ठीक है ना। उसको आप सब्सक्राइब करो, मैं सेटिंग कर दूंगा तो जो सब्सक्राइब करेगा उसको ही दिखाई देगी, ठीक है।
मिनट बेटा, अभी जो जितने सब्सक्राइब कर लेंगे उसको भी प्लेलिस्ट नहीं दिखाई देगी, मैं एक बार सेट कर दूंगा उसके बाद ही दिखाई देगी, ठीक है ना? इसलिए परेशान बिल्कुल मत हो आप लोग। और मेरी आवाज आ रही है ना? अच्छा, 2 मिनट के लिए म्यूट हो रहा हूँ, मेरी कॉल आ रही है, ठीक है ना? फिर मैं म्यूट होकर फिर बात करता हूँ।
हाँ OH और HO में वन एंड वन द सेम देन दे आर डिफरेंट बेटा, गलत चीज है। देखो आप समझो ना, OH बेटा ये जो दोनों लिखे हैं ना आपने, क्या नाम, मनु, क्या नाम बेटा, मन, नाम आप पसंद में नहीं आ रहा बेटा, नाम क्या है, मनुजा, मनुजा है ना, आप जो लिख रहे हो ये तरीका गलत है आपका लिखने का। रीजन क्या है, देखो आपको गलती बताता हूँ मैं आपकी, जो वैलेंसी वैकेंट होती है उस साइड डेथ लगता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी टू होती है तो एक वैलेंसी हाइड्रोजन से फिल हो गई, एक खाली है। आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो बट आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, क्योंकि इस तरीके से तो ये तो गलत मेथड हो गया ना लिखने का। लास्ट क्वेश्चन में आपने बेटा कहाँ, बताओ ना मुझे एक बार, इस क्वेश्चन की बात कर रही हो आप, देखो ध्यान से, एच ओ फिर बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड एच ओ नहीं बना हुआ है, देखो ना एक बार ध्यान से, बॉन्ड किस साइड से, ऑक्सीजन की साइड से कि हाइड्रोजन की साइड से, ओ एच और एच ओ बात बराबर नहीं है दोनों में, क्या डिफरेंस रखता है दोनों, अब देखो यहाँ पे अल्कोहल के बारे में समझा रहा था, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला जो था, यदि एन वन हो गया तो बनेगा आपका सी वन एच थ्री ओ एच, जिसको आप जनरली क्या कहते हो, सी एच थ्री ओ एच कहते हो ना, मिथाइल अल्कोहल। एन टू मतलब सी टू एच फाइव ओ एच, एन थ्री मतलब सी थ्री एस सेवन ओ एच, इन सब में देखोगे तो सक्सेसिव मेंबर में सी एच टू का डिफरेंस होगा, मतलब ये सब एक फैमिली के मेंबर हैं, क्योंकि मैंने आपको एक पॉइंट, एक लाइन लिखवाई थी, कौन सी लाइन लिखवाई थी, देखो ये वाली लाइन, ऑल कंपाउंड विद द सेम फंक्शन ग्रुप बिलोंग टू द सेम क्लास। यहाँ देखो सभी फंक्शन ग्रुप, सभी कंपाउंड में OH 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 सेम है, मतलब सब एक ही फैमिली के मेंबर हैं, और सक्सेसिव मेंबर के बीच में सी एच टू का डिफरेंस है, सो इट इज कॉल्ड द होमोलोगस सीरीज। एनी डाउट एंड नोट डाउन, नोट हो गया होगा वैसे। अच्छा करेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखवाऊं या आपको पता है तो छोड़ दूंगा, जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द, अच्छा वेट करें पहले विनय, क्यों, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज लिखवानी पड़ेगी या आती है, लिखवानी पड़ेगी, ओके लिख लो फिर क्या है। डालो रेडी, लिखवाइए सर। हाँ चलो शुभम लिखवा देता हूँ, मुझे मुझे लिखवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी मैं पूछ लेता हूँ कि मतलब जो ना आता हो बताते जाओ, मैं लिखवाता जाता हूँ। द जनरल प्रॉब कैरेक्टरिस्टिक्स, होमोलोगस सीरीज, ऑल कंपाउंड्स इन द सीरीज आर कंपोज्ड ऑफ सेम एलिमेंट
एंड कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप All compound in the series can be represented by अब बेटा नोट तो पूरा करो यार, ऐसे कैसे शॉर्ट में लिखवाते हो, by one जनरल फॉर्मूला है सब वही जो आप लोग मैं उड़ल बता रहा था ना, वही चीज लिखवा रहा हूं मैं बस केवल। द मॉलिकुलर मास ऑफ every two adjacent member differ by 14 u All compound in the series have similar chemical properties. The member of series show a gradually Degradation in their The homologous can be represented almost similar method. नोट करो उसको से, डिग्रेशन होता है घटना बढ़ना। एक काम करो इसको, डिग्रेशन ना लिख के लिखो, चेंज लिख लो, ग्रेजुअली चेंज। अब परफेक्ट है, नोट करो उसको।
बीटी कहाँ लिखा बीटी? अरे बीटी नहीं है, कैन बी पेपर। अच्छा ये मिल गया, ला प्रिपेयर्ड बाय ऑलमोस्ट सेम मेथड, सिमिलर मेथड। मतलब जो भी आपके होमोलोगस मेंबर्स हैं उनकी प्रिपरेशन मेथड ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है। करो नोट जल्दी से इसको। डन हो गया। स्लाइड चेंज करूं क्या? एक्सप्लेन कर दें एक बार। ठीक है प्राची, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बेटा ऑल कंपाउंड्स, सुनो ध्यान से, अब सुनते जाओ। ऑल कंपाउंड्स इन द सीरीज आर कंपोज ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट एंड कंटेन द सेम फंक्शन। ठीक है ना, मतलब सिंपल सी बात है, होमोलोगस सीरीज में जो एलिमेंट्स हैं वो ऑब्वियस बात है सिमिलर होंगे क्योंकि सेम फंक्शन ग्रुप अवेलेबल उनके पास। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल ले लो, कोई भी, मैं नीचे एग्जांपल लेके पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। ठीक है ना, जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे CH3CHO और C2H5CHO। ठीक है, आप देखो ना सेम एलिमेंट है कि नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम एलिमेंट, सेम फंक्शन ग्रुप है बिल्कुल, CHO CHO सेम फंक्शन ग्रुप है। ऑल कंपाउंड इन द सीज कैन बी डिपेंडेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला, इनका एक जनरल फॉर्मूला होता है, इनका फॉर्मूला होता है CnH2nO होता है। आप मैच करके देख लो, यदि मैं N1 ले लेता हूँ तो आपका बनेगा, सॉरी N2 ले लो आप पहले, तो N2 लिया तो फॉर्मूला बनेगा आपका C2H4O बन जाएगा, जो कि CH3CHO का ही तरीका है। देखो ना यहाँ पे, देखो दो कार्बन चार हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, यदि N3 ले लिया तो फॉर्मूला बनेगा C3H6O बनेगा, जो कि C2H5CHO से निकल के आ जाता है। देखो ध्यान से, अच्छा इन दोनों के मॉलिकुलर मास में 14 का डिफरेंस है, तो आप चेक कर सकते हो ये इक्वल है, ये इक्वल है, यहाँ डिफरेंस 14 का डिफरेंस होगा। इन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी क्योंकि इनके फंक्शन ग्रुप सिमिलर है, इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है क्योंकि इनमें नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होते हैं, इस वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, और इनके मेथड एक होंगे क्योंकि फंक्शन ग्रुप सिमिलर है। प्राची समझ में आ गया क्या? अल्किन अल्किन अल्काइन क्या है, मतलब क्या है ये? अरे ये फंक्शन ग्रुप नहीं होते हैं यार, ये अल्केन अल्किन अल्काइन ये तो सिंपल हाइड्रोकार्बन है, ये फंक्शन ग्रुप में नहीं जाते कभी भी, समझ में आया ना? अब आता है अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड कंपाउंड्स। नेक्स्ट लाइन डालो, सैचुरेटेड कंपाउंड और नेक्स्ट हेडिंग है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब देखो सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या कहा जाएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड कहा जाएगा। और
डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन कार्बन इज कॉल्ड, अरे क्या लिख दिया मैंने, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन कार्बन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। शॉर्ट में इसको मैंने समझा दिया है, अब इसकी एग्जांपल देखो। और सिंपल सी बात है, मल्टी यदि कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड से अटैच है, ये लिखवा दिया था फर्स्ट, नहीं नहीं वो अलग चीज है, ठीक है लिखवा दिया अच्छी बात है, चलने दो अभी, ठीक है एग्जाम्पल समझा दिए थे तो उस टाइम पे, तो फिर ठीक है इसको और आगे बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालो फिर। ओके वेरी गुड, नोमेनक्लेचर, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर दो मेथड होते हैं, ये शायद मैं पहले भी बता चुका हूं, एक होता है ट्रिवियल सिस्टम, एक होता है ट्रिवियल सिस्टम मतलब पुराने जमाने में जो यूज करते थे हम लोग, और एक होता है आईयूपीएसी सिस्टम, ठीक है। अब देखो ट्रिवियल सिस्टम क्या है और आईपीएसी सिस्टम क्या है, मैं अब ये डिक्टेट कर रहा हूं तो ध्यान से सुने मेरी बात को। ट्रिवियल सिस्टम जो पुराने जमाने में हम लोग यूज करते थे, जिन वर्ड्स का यूज करते थे उनको कहते हैं ट्रिवियल सिस्टम कहते हैं, और जो स्टैंडर्ड मैनर्स में इंटरनेशनल लेवल पे जो कंपाउंड के नेम होते हैं वो होते हैं आपके आईपी सिस्टम होता है। पहला काम ये होता है कि ट्रिवियल सिस्टम की नीड क्या है, और आईपी सिस्टम क्यों यूज करते हैं हम लोग, ट्रिवियल सिस्टम को निग्लेक्ट क्यों कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि ट्रिवियल सिस्टम का जो कंपाउंड का नेम होता है वो एरिया वाइज या स्टेट वाइज कंट्री वाइज अलग अलग हो सकता है ना। किसी कंपाउंड का ट्रिवियल नेम, ट्रिवियल सिस्टम नेमिंग अपने एरिया वाइज स्टेट वाइज कंट्री वाइज डिफरेंट हो सकता है ना, और जब डिफरेंट होगा तो क्या आप एक स्टैंडर्ड चीज को कभी भी मेजर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि आप उसको अलग कहते हो कुछ, आपकी लैंग्वेज को दूसरा पर्सन समझ नहीं पाएगा फिर, मतलब एक कम्युनिकेशन लेवल के लिए फिर ट्रिवियल नेम सही नहीं होगा ना। अरे आप सब लोग सुन रहे हो मेरी बात को कि नहीं, तो जवाब भी तो दे दो, अरे तुम लोग बस बहुत ही सुस्त किस्म के हो, तुम लोग बहुत सुस्त की किस्म के हो, मतलब भूल जाते हो जवाब देना। चलो डाल वेडिंग ट्रिवियल सिस्टम मैं ये सिखाऊंगा आप लोगों को, है ना। ट्रिवियल सिस्टम लिखो इसमें, ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका जो नाम पड़ता है वो बेस्ड ऑन सोर्स From which they are obtained किसी को कहेंगे common name
ठीक है, आप इनको नोट करो, फिर मैं इसके एग्जांपल दूंगा आपको। ट्रिवियल सिस्टम कैसे पढ़े, तो जो उनका जो सोर्स सिस्टम था जहां से उन्हें हम लोग फाइंड करते हैं उसको कहते हैं ट्रिवियल सिस्टम। नोट हो गया। चलो अब देखो इसके एग्जाम्पल। जैसे अब सुनो बेटा एग्जाम्पल ध्यान से देखो, जिसमें कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा इस चीज से। देखो पहला एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड, पहला एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड। थोड़ा म्यूट कर रहा हूं लेकिन आप लोग नोट करते जाओ, ठीक है ना।
पॉइंट समझ में आ गया। एसिटिक एसिड को लैटिन वर्ड होता है एसिटम, जिसको हम लोग वेनेगर कहते हैं। आप सुना वेनेगर बेटा, चाउमीन में यूज करते वेनेगर का, अचार में यूज करते हम लोग वेनेगर का, खट्टापन जो रहता है। तो ये क्या है, अपना डेली यूज का नेम है ना वेनेगर। अब लैब में जाओगे तुम कहोगे वेनेगर दे तो कोई नहीं देगा ना भाई। अपने यहाँ वेनेगर कहते हैं, कहीं कुछ और कहते होंगे। फॉर्मिक एसिड हुआ, ये रेंट आंट फॉर्मिक फॉर्मिक से बना हुआ है। ऑक्जोलिक का ऑक्जोलस से बना हुआ है। सिट्रिक सिट्रस से है। मीथेन मार्स गैस से है। अब पहले बताओ यहां तक चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई है। हाँ, मैलिक को पायरस मैलस कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। उन्हें बहुत सारे नाम होते हैं, मतलब एकदम एक चुनिंदा लिख दी है, मतलब जो बिल्कुल नॉर्मली यूज करते हैं लोग, है ना। इस चैप्टर में बोरियत काफी लग रही होगी, क्यों? जिनको आता होगा तो बड़ा बोरियत महसूस कर रहे होंगे, फील कर रहे होंगे। बड़ा बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं चैप्टर में, क्योंकि हाँ लगता है। अब ऑर्निक का पहला चैप्टर क्या करें, ऐसा ही कुछ है तो क्या कर सकते हैं हम लोग। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पैराफिन्स, पैराफिन्स मतलब पैराफिन्स मतलब होता है पैरम, मतलब होता है लो या स्मॉल, और एफिन्स मतलब होती है रिएक्टिविटी। और जिसकी लो रिएक्टिविटी हो उसको कहते हैं हम लोग पैराफिन्स। और पैराफिन्स नाम किसका है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। फॉर्मूला है CnH2n+2। जैसे आप लोग जनरली क्या कहते हो, अल्केन कहते हैं हम लोग। ठीक है, और यहीं पे लिख लो कि दब, चलो मैं यहां तक पहले आप नोट कर लो, पहले इतना नोट करो पहले। एग्जाम्पल देखो इसके। मीथेन, इथेन, ये सब पता होंगे, बहुत सिंपल चीज है। इसे शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इसके एग्जाम्पल। चलो मैं एक फॉर्मूले भी लिख देता हूँ साथ में तीनों के। CH4, C2H6, C3H8।
अब देखो ये सब चीजें मैंने आपको जब वो पढ़ाया था ना आपको लेक्चर, क्या कहते हैं, केवीपीआई का लेक्चर, देखो उसमें भी सब बताया था मैंने आप लोगों को। सर सेकंड कौन सी सिस्टम है, सेकंड सिस्टम कहाँ लिखा है बेटा प्राची, सेकंड कौन सी सिस्टम है, कौन सी सेकंड, एक तो ट्रिवियल सिस्टम है, दूसरा आईपी सिस्टम है। तो भाई ट्रिवियल के बारे में तो पढ़ लो पहले, प्राची पहले ट्रिवियल के बारे में पूरा पढ़ाऊंगा, उसके बाद में आईपी शुरू करूंगा मैं, ठीक है ना सर। आखिरी पेज बाकी है धीरज का, नोट कर लो बेटा जल्दी से। ठीक है धीरज का हो गया। अब देखो मैंने आपको शायद उस टाइम भी बताया था आईपी केईपी लेक्चर की ड्यूरेशन में कि जो इसके आइसोमर की नेमिंग होती है, ठीक है, द नेमिंग, सॉरी, द नेम ऑफ वेरियस आइसोमर डिस्टिंक्शन बाय प्रीफिक्स, याद आया कुछ, सेम स्टेटमेंट लिखवाया था मैंने। याद करो स्टेटमेंट मैंने सेम लिखवाया था ना लास्ट टाइम पे। हाँ तब जो नहीं थे वो नहीं, जिन जो थे उनके लिए बोला हूं मैं केवल। अब यही तो दिक्कत हो गई, जिन्होंने पढ़ लिया है वो अब आगे वो बोर होंगे, जिन्हें नहीं पढ़ा है वो मतलब एकदम। आइसोमर और आइसोबार में डिफरेंस क्या है प्राची बेटा, क्या तुम्हारा बिल्कुल बेसिक, मुझे लगता है तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं है, तुमने क्लास 10 में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की इसका मतलब है। प्राची आपने 10th क्लास में बिल्कुल स्टडी नहीं की है इसका मतलब, यदि आपको आइसोमर और आइसोबार में डिफरेंस नहीं पता है। लास्ट चैप्टर था जिसमें आइसोबार आइसोटोप्स कार्बन कंपाउंड, क्लास 10th चैप्टर है उसमें था आइसोबार आइसोटोप्स आइसोटोन्स, क्लास 9th में है, 10th छोड़ो 9th में है ये, तूने पढ़ाई नहीं की है क्या। और क्लास 10th में चैप्टर था उसमें कार्बन कंपाउंड में था ना आइसोमर, डिलीटेड था इसलिए नहीं पढ़ाया था। वाह मतलब बेसिक चीजें पढ़ाना ही भूल गए मतलब। चलो
चलो मैं बता रहा हूँ, सुन लो। आइसोमा छोड़ो, अभी अपने काम का नहीं है, जब होगा बता दूंगा। आइसोमा सुन लो ध्यान से, एक कंपाउंड के कई सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, उसको कहते हैं आइसोमर कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने, सुनो ध्यान से। अच्छा पहले इतने तरीके बता देता हूँ, तीन तरीके हैं। एन फॉर नॉर्मल, दूसरा होता है आइसो, और थर्ड होता है नियो। ये तीन है प्रीफिक्स, ठीक है। नॉर्मल के लिए यदि यूज करूं मैं तो आप कह सकते हो स्टेट चेंज, स्टेट चेन ऑफ कार्बन। आइसो आइसो का ये होता ग्रुप, नियो इसमें लिखो, आइसो में लिखो वैन मिथाइल ग्रुप अटैच टू सेकंड लास्ट कार्बन। ऑफ
और नियो का केस मैंने बना ही दिया, ये नोट कर लो बेटा ये भी, बाकी इसके एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। नोट हो गया बेटा ये, चलो ओके। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे सिखाऊंगा, ठीक है, बाय।